एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्निंग क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो होने में जा रहा है। ये डिसोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? डिसोल्यूशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म को पूरा तरह से बंद कर देना, शट डाउन कर देना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये कहता है कि ओल्ड पार्टनरशिप डीड जो है उसको कैंसिल करके नया पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर किया जाता है। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में पहले हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज वाला देखते हैं, उसके बाद एडमिशन होता है पार्टनर का, रिटायरमेंट होता है, फिर डेथ होता है। तो ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का एक प्रोसेस है। आज का हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इफ़ एनी पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, पार्टनरशिप इज डूइंग इलीगल बिजनेस, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी, परचेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय कंपनी, ठीक है, परचेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय कंपनी। जैसे गूगल एक कंपनी है, गूगल परचेज करता है कॉमर्स क्लासेस, जैसे कि ए बी और सी पार्टनर है, वो लोग का बिजनेस है कॉमर्स क्लासेस का, तो जिसको गूगल परचेज करना चाहता है। तो ये हो गया पार्टनरशिप फर्म बाय कंपनी परचेज, परचेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय कंपनी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक मर्जर क्या होता है, मर्जर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि एक्स एंड वाई कंपनी है और वाई एंड कंपनी है, दोनों अलग अलग कंपनी है, वो लोग डिसाइड करता है कि एक साथ काम करने का, तो वो लोग जो पहले था वो लोग का एक्स वाई एंड कंपनी, वो डिसॉल्व होके और वाई का भी जो कंपनी है वो भी डिसॉल्व होके एक नया पार्टनरशिप फॉर्म को क्रिएट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई एंड कंपनी। कंपनी मतलब दो तरह से हो सकता है, उसका नेम प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है और लिमिटेड भी हो सकता है, पार्टनरशिप एंड कंपनी एंड एसोसिएट्स, एच यू एफ में हो जाता है एंड सन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द केसेस अदर देन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म वेयर गुडविल कंप्यूटेशन इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर गुडविल का कंप्यूटेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर हो सकता है कन्वर्जन टू कंपनी, परचेज बाय कंपनी या मर्जर एंड मर्जर, ठीक है। लिस्ट द केसेस वेयर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कंपनी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड। अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, डिवाइडेड इट इंटू टू पार्ट्स, एसेट्स एंड लाइब्रेरी। एसेट जैसे आपका हो सकता है फर्नीचर, बिल्डिंग, डेब्टर, लाइबिलिटी हो सकता है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कैपिटल अकाउंट, हाँ कैपिटल अकाउंट है। तो एसेट एंड लाइबिलिटीज को क्लोज करने के बाद जो आपका बैलेंसिंग फिगर होता है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एट वन प्लेस टू हैव बेटर पिक्चर, क्लियर पिक्चर, ठीक है। एसेट का जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, जैसे कि आप सभी को पता है। टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपीयरिंग, जैसे एसेट का डेबिट बैलेंस होता है तो उसको हम लोग को क्रेडिट करना है, क्योंकि इसमें उल्टा शो करना पड़ता है, डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और उसी का स्टेप नंबर टू, लाइबिलिटी का जो बैलेंस है वो क्रेडिट है तो उसको हम लोग डेबिट में शो करना है। तो आपका हो जाएगा लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग लाइबिलिटी अकाउंट क्लोज्ड, ठीक है। जैसे कि बैलेंस शीट दिया हुआ है बिल्डिंग का 10 लाख का है, जो कि 10 लाख का बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू आपका बिल्डिंग का 12 लाख है, लेकिन हम लोग को
मार्केट वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करना है इसमें, इसमें हम लोग को बुक वैल्यू से मतलब है। वैल्यू अपीयरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज बुक वैल्यू। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एसेट नॉट अपीयरिंग इन बुक्स बट एग्जिस्ट, मतलब ऐसा एसेट जो कि बुक्स में तो अपीयर नहीं करता है लेकिन एग्जिस्ट करता है, मतलब प्रेजेंट है लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, उस टाइप का एसेट को हम लोग अनरिकॉर्डेड एसेट कहते हैं। और ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट होता है उसको, उसका बुक वैल्यू हमेशा नील रहता है, कुछ नहीं रहता, ज़ीरो रहता है। अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटी आर नॉट कंसीडर्ड, इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ड्यू टू देयर बुक वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि उनका जो बुक वैल्यू होता है वो ज़ीरो होता है, इसीलिए हम लोग उसको कंसीडर नहीं कर सकते। स्टेप टू है रिलेशन ऑफ एसेट, एसेट रियलाइज्ड एट मार्केट वैल्यू। यहाँ पर स्टेप टू में आपका मार्केट वैल्यू पे हम लोग को रियलाइज करना है, जैसे कि स्टेप वन में आपका आपका बुक वैल्यू पे रियलाइज होता था, वैसे ही स्टेप टू में मार्केट वैल्यू पे हो जाएगा। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिकॉर्डेड एसेट इज सोल्ड, अनरिकॉर्डेड एसेट इज सोल्ड, तो आपका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर जो अनरिकॉर्डेड एसेट है उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है बुक्स में क्योंकि उसका बुक वैल्यू ज़ीरो होता है, ठीक है। बिल्डिंग एडजस्टमेंट में दिया है कि जो बिल्डिंग है इज सोल्ड फॉर 12 लाख, लेकिन बिल्डिंग का जो बुक वैल्यू है वो 10 लाख है। व्हाई प्रॉफिट आर नॉट रिकॉग्नाइज, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, आपका हो जाएगा 10 लाख 10 लाख। अब देखिए क्रेडिट बैलेंस 2 लाख का है, प्रॉफिट आपका 2 लाख हो जाएगा जिसका क्रेडिट बैलेंस है। नो प्रॉफिट या लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इट गेट्स ऑटोमेटिकली एडजस्टेड, क्योंकि वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, इसीलिए प्रॉफिट या लॉस को हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, एडजस्टेड टू रिलेशन अकाउंट, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। नंबर टू है एसेट इज टेक ओवर बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एसेट को ले लेता है तब हम लोग कैसे करेंगे। एसेट रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड, मतलब एसेट रिकॉर्डेड भी हो सकता है अनरिकॉर्डेड भी हो सकता है, तो आपका एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पार्टनर ले लिया है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ये मतलब रिकॉर्डेड एसेट भी हो सकता है और अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड भी हो सकता है, रिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड इनकम। नंबर डी है एसेट इज टेक ओवर बाय क्रेडिटर, अगर कोई क्रेडिटर एसेट को ले लेता है तो आपका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, नो एंट्री, यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगा। ये रिकॉर्डेड भी हो सकता है और अनरिकॉर्डेड भी हो सकता है। अनरिकॉर्डेड एसेट इज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर इसको ले लेता है। अनरिकॉर्डेड एसेट इज टेकन ओवर बाय अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। बिल्डिंग इज टेकन बाय क्रेडिटर, बिल्डिंग इज टेकन ओवर बाय अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, तो यहाँ पर नो एंट्री होगा इस केस में। इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर वेदर इट इज अनरिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड इट इज क्रेडिटर, तो यहाँ पर नो एंट्री हो जाएगा, रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड नो एंट्री। रियलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ अभी हम लोग देख रहे हैं, तो पेमेंट ऑफ रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, तो आपका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
और पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जो रियलाइजेशन है ये आपका लॉस है और एसेट आपका घट रहा है एग्रीड वैल्यू पे, ठीक है। उसको अमाउंट जो है वो आपके एग्रीड वैल्यू पे होगा। लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो आपका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अभी हम लोग देख रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इफ पार्टनर हैज बीन अपॉइंटेड फॉर रियलाइजेशन प्रोसेस, कमीशन इज प्रोवाइडेड एंड कमीशन इज नॉट प्रोवाइडेड। इसका दो केस हो सकता है कि कमीशन प्रोवाइड किया गया है और नहीं भी किया गया है। ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अपॉइंटेड। हाँ, अपॉइंटेड यूनिट एंड अनलेस अदरवाइज फुलफिल्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी बॉर्न बाय पार्टनर शिप फॉर्म। ये जो होगा कमीशन नॉट पेड होगा, तो फॉर प्रोवाइडिंग कमीशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस नो एंट्री बिकॉज इट पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, ये पर्सनल लाइबिलिटी है पार्टनर का, इसलिए कोई भी एंट्री नहीं होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। कमीशन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड फंड्स, नोट वेदर और नॉट पेड, वेदर और नॉट स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन लाइबिलिटी विल ऑलवेज बी पेड ऑफ। ये आपका एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है।